दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कि आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है आपको? रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर, मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए, 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। 3 से 4 आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। बागवती जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, 2 साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो 3 महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना, 3 महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो। छोड़ के खाना। अब किसी व्यक्ति के लिए जो छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया, 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र इतना ही। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।